नमस्ते दोस्तों, सुशीला बिलोंग हूँ, आप सबका स्वागत है। आप सब ठीक हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक रहो और मस्त रहो। तो ये मैं कुछ कुछ मैं पोहा पूरी करने के लिए लग रही हूँ। मैं आ गई किचन में, तो मैं पोहा तल रही हूँ देसी घी में। दो बड़का पुड्डा आते हैं ना हमारे, पुरखों में, तो ऐसे पानी दीपावली हमारे दीपावली नहीं देते, पानी वगैरह देते हैं ऐसे पोहा पूरी करके। उसको भोग लगाते हैं, तो हाथा वाता काटते हैं, तो वो मैं भोग बनाने के लिए लग रही हूँ देसी घी में। तो मैं देसी घी में ही लग रही हूँ। तो उसे तो मेरा वैसे कुछ बाहर गए हुए थे मेरे बच्चे तो मेरे को भी जा रही थी आके, वो कुछ वीडिया के सामने कुछ करना था, तो ये जा रहे हैं पानी देने के लिए। तो यह हमारे पुरखों के ऐसे ख़त्म हो रखे हैं, तो उसको पानी देते हैं दीपावली ने। तो ये कुएँ पे कुआ है हमारे पास में, वहाँ पानी दे रहे ये सब मिलके। तो कुछ कैमरा मन मेरा ऐसा ही था, तो दूर से ही ले रहा था, पास से जाके नहीं दिखाया। उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। हमारे छोटे बड़े बच्चे ऐसे पुरखों के ऐसे पानी देते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, उनको दीपावली नहीं पानी वगैरह कुएँ पे लगता है, तो वो पानी दे रहे। और आप देख रहे हो ना कैसे पानी दे रहे। और ये हमारे बच्चे आए डोल रही है, तो ऐसे टंकी वगैरह कुएँ पे है, तो ऐसे पूरी हमारे रानी के वगैरह ऐसे वो पानी देने के लिए लग रहे। पानी वैसे देते एक डाब लाते हैं, डाब होती है ना उसका, वो लाता है फिर वहाँ से बाल्टी वगैरह ले जाके उसके नाव के ऐसे आंडा भर भर के पानी गिरते हैं, वैसे पानी देते हैं। तो कुछ कैमरामैन हमारे पास में जाके नहीं दिखाया, दूर से ही था, तो ये पानी दे के आ रहे। तो ये जो पानी दे दे के आते हैं ना, वो आ रहे पूरे। तो ये मेरा बच्चा भी दे के आ रहा है, ये मेरा बच्चा है, और ये मेरा हमारे परिवार में रहता है, ये मेरे हस्बैंड आ रहा है, ऐसे करते आ रहा है मजाक करते हुए। और फिर ये पानी दे के ऐसे फुलकों के हाथे काटते हैं चौक के बीच में। तो ये मेरा ही मकान के पास में ही हाथे काट रहा है बीचा बीच में, वो आपको देखे हुए तो वो हाथे काटने के लिए लग रहे हैं। और ये मेरी बच्ची बना रही थी छत से, और कुछ ही ऐसे हो गए। तो ये सुबह का तो काम हो गया, तो ये शाम का है। तो ये मेरी गुड़िया लग रही है दीपावली के पैर छापने के लिए रंगोली वगैरह, तो कुछ ये रंगोली बना लिए था, कलर था वो, कलर से रंगोली बना रही थी। लक्ष्मी माता का पैर छाप रही थी, बोल रही थी मम्मी लक्ष्मी माता का पैर छाप दो, तो वो छापने के लिए लग रही थी। जी मैंने इतने दिनों में ये वीडियो नहीं छोड़ पाई थी, इसलिए नहीं छोड़ पाई थी क्योंकि कुछ मैं बिजी भी हो गई थी हमारे, और कुछ मेरे बुखार का ऐसे आवाज़ भी टंग से नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं ये वीडियो मैं इतने पीछे छोड़ रही हूँ। इसके लिए क्षमा मांग रही हूँ। बहुत पाचे से ये पीछे 8-10 दिन का वीडियो हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत छोड़ इतने क्षमा मांगती हूँ। इतने लेट हो गया था ये वीडियो छोड़ते छोड़ते, कुछ टाइम भी नहीं था मेरे को, वो टाइम था तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल, आवाज़ वो गुड़वा नहीं आती थी, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं छोड़ रही थी। मैंने सोचा कि कुछ आवाज़ ही ढंग से हो जाए जब ही आवाज़ डाल के मैं वीडियो डालूँ। और कुछ मैं हाथ के हाथ बोलूँ तो मेरे कुछ ऐसे सामान वगैरह यूट्यूब का नहीं ला रखी थी, इतना व्यवस्था नहीं कर रही थी, मैं आवाज़ ऊपर से डालती हूँ। तो ये श्याम का है, तो मेरे इसकी मैं बरवाला यानी बरमाला का नाम हो गया, ये वो डालते हैं ना। ये मैं इस बानर वाल बना रही हूँ गेट का, मेन गेट की। तो इसमें मैं थोड़ा सा पास्ट कर दिया था, इसको बड़ा हो जाता इसलिए। तो ये बना के मैंने कुछ लगाने के लिए लग रही हूँ, क्योंकि सुबह आपको पता है पूरे दिन हमारे दीपावली में पूरे दिन काम रहता है, पहले बच्चों को यानी खाना बनाना वो करना, फिर हमारे बड़गा जब पुरखों की वो हाथे वाते काटने की सामान बनाना बुकर को राखी, फिर बाज कोई हमारे ऐसे पास में कोई खाना वाना के लिए बच्चों को बुलाना इसको करना खिलाना। तो आज मैं दीपावली वाले दिन पूरे दिन बिजी थी, तो कुछ थकान सी हो रही थी हमारे,
जिधन ही दिन मेरे को इतनी तेज़ बुखार भी आ रही थी, ऐसी तबीयत भी इतनी बेकार हो रही थी, मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रही थी। फिर भी चलो मैंने त्यौहार अच्छा मनाया, दीपावली अच्छी मनाई, कैसे भी कोशिश करके मैंने दीपावली कुछ कैसे मनाई थी। जैसे मैं पागलों की तरह रही थी, मैं शाम को मेरे को नहाना, दोबारा मैंने नहा लिया था लक्ष्मी पूजन का, तो मेरी हालत इतनी बेकार हो गई थी, आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। लक्ष्मी पूजन के दिन मैं नहा ली थी, तो शाम को ना पूजन करती हूँ तो मैं नहा के ही पूजन करती हूँ शाम का, तो मैं वापस दोबारा नहा लिया था, इसलिए मेरी तबीयत तो इतनी बेकार हो गई थी। इसलिए मैं ये वीडियो हाथ के हाथ नहीं छोड़ पाई थी, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं उठ रही थी। फिर कुछ हमारे जो मैं दुआ लेने के लिए गई थी, डॉक्टर भी मना कर दिया था इतना नहीं बोलना, आप थोड़ा रेस्ट करो, तो इसलिए मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था मैंने, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं छोड़ पाई थी। तो आप लोग ऐसे सोचो कि भाई जो आप YouTube फैमिली है ऐसे सोचो कि इतनी लेट ये वीडियो छोड़ पा रही है, तो उसके लिए क्षमा मांग रही हूँ। तो ये शाम को मैंने नहा धो लिया था, ना कि मैं लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार हो रही थी। तो आपको पता है लक्ष्मी पूजन को हम बैठते हैं तो गहना वगैरह पहन के फिर पूजन करते हैं, तो ये मैं गहना पहनने के लिए लग रही हूँ। तो मैं हो गई तैयार, और कैसे लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में, जल्दबाजी में ऐसे मन रही थी मैं, तो कुछ पिन वगैरह लगाने के लिए लग रही थी, पिन भी नहीं लग रही थी, मेरे बच्चों को बोल रही थी, बच्चा दीपक लगा, तो ये हो गए मैं रेडी। तो ये मेरे बच्चा है ना, वो दीपक जो होने के लिए लग रहा है, तो मैं उसके पास में जा रही हूँ। तो आज कैमरामैन मेरा हस्बैंड बन रहा है, तो कैमरा लेके भाग रहा है इसलिए। तो ये मेरा बच्चा है, दीपक जोने के लिए लग रहा है, दूधिया वगैरह ऐसे सुबह शाम के टाइम में यानी दीपावली के दिन इतना रौनक रहता है था, जो मैं खुद मेरी तबीयत खराब हो रही थी वो भी भूल गई थी, इतनी खुशी मिल रही थी मेरे को। तो मैं मेरा बच्चा लग रहा दिया जोने के लिए, तो ये दिया पहली छत पर ये उनका दिया जोते, फिर हाँ दिया मैं लक्ष्मी पूजन के पास में जो के, फिर मैं रसोई में किचन में ये अलग अलग दीपक मेलती हूँ, ये अलग से जाऊँगी पूजन करके। तो ये हमारे ये सिंपल सजावट की पूजन दीपक जो रही हूँ, पूजन अब करूँगी मैं। मैंने एक दो सोट भी छोड़ा मनाया था यहाँ कुछ है। देखो कितना ये मेरा मकान का रौनक रह चुके हैं, मेरे पुराने वाला मकान है जब पहले मेरे ससुर का मकान था, अब रहते थे भी इसमें, कैसे अच्छा रौनक लगता है, कितनी सुंदर लग रहा है नज़ारा। तो हमें आप जानते हो दीपावली में पूरी जब जहाँ देखे जाएँ ऐसे रौनक दिख रही है, मेरा खुद का मकान है।
तो आ गई मैं दीपक जो जाके, तो मैं थकान से बुखार भी हो रही थी, मैं भूल गई बुखार को। तो मेरे आंगन में लक्ष्मी माता का पूजन हो रहा था, तो सब ऐसे थकान तो भूल जाते हैं इंसान। 12 महीने में एक बार लक्ष्मी पूजन का त्यौहार आता है हमारा। अरे हिंदू धर्म में तो ये त्यौहार बहुत सबसे बड़ा है, होता है। तो ये मैं सेट करने के लिए लग रही हूँ कैमरा, तो ये मैं लक्ष्मी पूजन के लिए लग रही हूँ, मैं मेरा हस्बैंड। तो हमारे पूजन लक्ष्मी पूजन होती है जोड़ा से, तो वैसे मैं बैठ के पूजन कर रही हूँ। तो मैं कुछ सामान वगैरह पकड़ा रही हूँ मेरे हस्बैंड को, और वो कुछ सजावट वगैरह अलग है। तो ये मैं लेके आ गई गऊ का गोबर, तो वह होता है ना, उसे जला के मैं लेके आ गई, जो वो तो वगैरह देखेंगे ना लक्ष्मी की, इसलिए मैं थोड़ी दुआ हो रही थी, मैं थोड़ा सा बाहर रखने के लिए चले गई थी। लक्ष्मी माता की जय। चलो राम राम जी। तो दोस्तों जिया की देख रहे जी और अपना एक ब्लॉग चैनल है सुशीला व्लॉग्स का नाम सुन, तो सभी भाई लोग हमारा प्यार सपोर्ट दिखाओ और इन ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मां की तरफ से सभी ने हैप्पी दिवाली। और जो भी कहीं यात्रा तो बड़ी हरे हमारे देख रहे पास में रह छे, तो बस। तो ये दिनेश पांबड़ा है, मेरा देवर है, पास में ही है, हमारे परिवार में ही है। तो मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। बाय।